जय गुरु जी, सारी संगत जी। ये एक सत्संग है लास्ट मंथ का, जब मैं न्यूयॉर्क से इंडिया ट्रेवल कर रहा था। तो उस समय आप सबको पता ही है कि कोविड का सीन चल रहा है, सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लॉक्ड है, बट वंदे भारत की एयर इंडिया चालू है अभी थ्राइस अ वीक। इमरजेंसी फ्लाइट्स हैं और काफी रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें भी काफी चेकिंग्स हो रही हैं, क्वारंटाइन के कुछ इश्यूज आ रहे हैं जब इंडिया लैंड करते हैं हम, तो उससे रिलेटेड ये सत्संग है। तो जब मैं न्यूयॉर्क से आ रहा था, लास्ट मंथ की बात है, जस्ट टिकट बुक कराने की बात हो रही थी, तो एक मैंने सत्संग सुना था एक आंटी का, कि वो कहीं ट्रैवल कर रही थी बाहर। तो उस समय जब वो ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया था, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, टिकट नहीं हो पा रही थी, फिर उनको ट्रैवल करना था और कुछ फ्लाइट्स की बहुत एक्सपेंसिव टिकट थी, कुछ ऐसा था। तो फिर उन्होंने गुरुजी से तय किया था कि गुरुजी आप कुछ सोल्यूशन बनाओ, आप हमारे साथ चलो और ये सारी जर्नी हमको कराओ। तो उन्होंने वो टिकट बुक कराई, फिर इकोनॉमी क्लास की टिकट थी बट वो बिजनेस क्लास की, उनको वो सब फैसिलिटीज मिली। तो बेसिकली उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गुरुजी की ब्लेसिंग से। अब मैं भी न्यूयॉर्क में था लास्ट मंथ, तो मुझे भी इंडिया ट्रैवल करना था, तो मैं भी सोच रहा था कैसे करूं, कोविड का सिचुएशन है, फ्लाइट में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और इंडिया जाने के बाद, लैंड करने के बाद दिल्ली में बहुत कुछ चल रहा था, यहाँ पे होटल्स में क्वारंटाइन का कुछ कह रहे थे, 7 days करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी मैं मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में जाके इंडियन काउंसलेट पे भी बात किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं रायपुर से हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़। तो मेरे को दिल्ली के बाद फिर डोमेस्टिक भी लेनी थी, फिर वहां से मैं पूछा कि कैसे करूं, क्योंकि जो टिकट्स हो रही थी वो या फिर बॉम्बे की हो रही थी या दिल्ली की हो रही थी, तो डोमेस्टिक हो नहीं रही थी। इंडियन काउंसलेट पे गया मैं न्यूयॉर्क सिटी पे 64 Street पे, तो उनका कहना हुआ कि सर अभी तो आप दिल्ली तक की फ्लाइट करा सकते हो, उसके बाद जब लोकल अथॉरिटीज वहाँ बैठे हुए हैं वो आपको क्लियरेंस देंगे कि आगे क्या करना है, कब आप फ्लाई कर सकते हो एलिजिबल करने के लिए। अदरवाइज वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम बैठी हुई है, तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा वहाँ पे 7 days होटल्स में। तो मेरा माइंडसेट ये था कि मेरे को क्वारंटीन नहीं करना है, अगर करने की जरूरत भी पड़ती है तो फिर मैं अपनी होम सिटी जो है रायपुर, वहाँ पे मैं जाके करना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैंने ये सत्संग उसी समय सुना था, ये आंटी वाला सत्संग जो मैंने बताया, तो मैं भी फिर गुरु जी को प्रे करने लगा कि गुरु जी आप मेरे साथ चलो और ये पूरी जर्नी जो है, कोविड का सिचुएशन है, फ्लाइट पता नहीं कैसी है कैसे नहीं, क्या सर्विसेज है, आप मेरे साथ चलो, सारी चीजें देखो। तो फिर मैंने फ्लाइट की टिकट बुक की, उसके बाद मेरे पास लगेज जो था, 2 जो चेक इन बैग्स मिलते हैं 23 kgs ईच के, एक बैग उसमें एक्स्ट्रा था 4 kgs, जो मैंने सेम डे वहां पे चेक किया वेट, चेक इन से पहले घर पे जब मैं चेक करके निकला था। तो अब सामान ऐसा था कि मेरे को लेके आना ही था, तो मैं बोला गुरुजी एक तो 23 kgs का है डॉट, दूसरा जो है वो 27 का आ रहा है, अब आप देखो कैसे करना है, मेरे को ये लेके जाना ही है इंडिया। सो वो हुआ, उसके बाद फिर मैं JFK गया, चेक इन कराया, तो वो एक बैग जो 23 kgs का था वो उतना ही आया, जो दूसरा मैं घर से 27 kg चेक करके गया था वो 20 kg का आया। तो जो बैग बेसिकली जो ओवरवेट था वो अंडरवेट आया। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग थी वहां पे गुरुजी की, उन्होंने करवाया, उनकी ब्लेसिंग थी। वो चेक इन हुआ, उसके बाद फिर मैं अंदर गया, उन्होंने टेम्परेचर वगैरह चेक किया, बोर्डिंग दे दी। उसके बाद जो मेरी सीट एलोकेशन हुई, उस सीट के बाजू में पूरी फ्लाइट बुक थी। वो ऐसा वाला सिस्टम नहीं था कि 2 सीटें हैं तो एक बंदा बैठा हुआ है तो नेक्स्ट वाली सीट खाली, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल बुकिंग थी सारी। बट मेरी सीट के जस्ट बाजू में जो सेंटर वाली रो होती है उसमें 3 सीटें खाली थी। तो मतलब गुरुजी ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ था कि मेरी सीट के बाजू में 3 सीटें खाली, तो मैं बिल्कुल आराम से उसमें सोते सोते आया। 14 hours की फ्लाइट थी JFK टू न्यू दिल्ली IGI, तो वहां पे एक दूसरी ब्लेसिंग थी, बिल्कुल सेटिंग अरेंजमेंट का कुछ नहीं हुआ, आराम से लॉन्ग फ्लाइट थी बट आराम से कंफर्टेबली आया मैं। अब तीसरा, यहाँ पे आने के बाद जब मैं इंडिया लैंड किया न्यू दिल्ली में, फिर उन्होंने वो बैचेस बनाना शुरू किए ABC ऐसे ग्रुपिंग वाइज 30-30 करके वो आगे ले रहे थे, क्योंकि बट ऑब्वियस इंटरनेशनल फ्लाइट थी, 200 से ऊपर पैसेंजर से कुछ हम लोग। तो फिर ऐसे क्यों करके वो लाले नगे। तो एक स्टेज ऐसा आया जहाँ पे उन्होंने सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट्स रख लिए अपने पास। इमिग्रेशन हो गया, सब हो गया, हम लोग अंदर आ गए इंडिया साइड पे, और उसके बाद उन्होंने वो सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट रख लिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि बोले बाहर जो है आप यहाँ से गेट से निकलोगे तो वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के बंदे बैठे हुए हैं, वो आपको क्लियरेंस देंगे कि आपका क्या करना है, कहाँ पे आपको क्वारंटीन करना है। अब कनेक्टिंग फ्लाइट मेरी थी नहीं, शाम की 5 बजे की थी, ये दोपहर के 2 बजे के 1:30 बजे की बात है। तो कनेक्टिंग फ्लाइट क्योंकि मेरी हो नहीं पाई थी, तो शाम की 5 बजे थी जो मेरे को दिल्ली से रायपुर की मिल सकती थी, लेकिन वो बुक नहीं थी क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है दिल्ली में। तो फिर वहाँ पे उन्होंने पासपोर्ट रख लिए। मैं गुरुजी को प्रे कर रहा हूँ, गुरुजी कुछ करो, ये सब पासपोर्ट रख रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। उसके बाद ये गेट एग्जिट करेंगे, फिर बाहर में लंबी लाइन लगी हुई है और हेल्थ मिनिस्ट्री के बंदे बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो क्वारंटीन कर रहे हैं या फिर कोविड के टेस्ट मांग रहे हैं। तो ऐसा ऐसा चल रहा था। फिर मैं बाहर समहाउ निकला, पासपोर्ट वो ले चुके थे उस तक के। बाहर निकले, फिर आगे में उनके जो हेल्थ वाले बंदे थे वो पूछ रहे थे फिर कोविड की रिपोर्ट्स हैं, अगर है तो विदिन 3 डेज होनी चाहिए, अगर वो हफ्ते पुरानी भी है तो नहीं चलेगी, अगर 3 दिन के अंदर की है तो वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको क्वारंटीन नहीं करेंगे, आपका पासपोर्ट देके आपको वो रिलीज कर देंगे। अब मेरे पास कोविड की रिपोर्ट तो थी नहीं। अब मैं गुरुजी को प्रे कर रहा हूँ, गुरुजी कैसे करूँ। बस मैं सिर्फ एक थोड़ा सा दूर से खड़े होके पहले नज़ारे देख रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और अंदर ही अंदर मेरी अरदास चल रही है कि गुरुजी अब आप देखो क्या करूँ, पासपोर्ट मेरे पास है नहीं, पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है, अब ये तो तैयारी कर रहे हैं होटल ले जाने के लिए। फिर प्रे किया, फिर संभव मेरे मुंह से निकला हाँ मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है। ऑफिसर ने एक पूछा हाँ मेरे पास है, तो फिर उसने मेरे को आगे पास कर दिया। आगे 2 बंदे और खड़े हुए थे, 2 बंदे फिर वो रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे एक्चुअल कोविड की। तो वहां पे आके जाके फिर मैं गया तो एक बंदे ने पूछा रिपोर्ट है आपके पास, मैं बोला हाँ है। दूसरा बंदा एक खड़ा हुआ था, तो दिखाओ बोलता है, मैं बोला अभी तो दिखाया इनको करके। तो वहां पे फिर मैंने वैसे करके फिर वो एक 2nd स्टेज क्रॉस किया, फिर वो 3rd स्टेज आया। फिर वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, वहाँ इन्होंने एक लंबा चौड़ा फॉर्म दे दिया, पूरा आगे पीछे की हिस्ट्री बताई, कहाँ से आया हो, क्या है, कहाँ जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन है, क्यों जाना है वो। फिर वो फॉर्म भरने के बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट मांगी। अब वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि वो तो रिपोर्ट मांग ही रहे थे, और वहाँ पे जैसे ही मैंने कहा कि सर अगर आप बोलते हो तो मैं रिपोर्ट्स मंगवा लेता हूँ अपनी, बोले क्यों आप जाना चाहते हो, क्वारंटीन क्यों नहीं करना चाहते। फिर वहाँ पे मेरे मुंह से निकला कि मेरे को मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मेरे को घर जाना है और मैं वहाँ पे क्वारंटीन कर लूंगा। अच्छा, तो फिर उसके लिए उनका ये रिस्पांस ये था कि अच्छा मम्मा का कुछ रिपोर्ट है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन है कि उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फिर मैंने कहा सर मेरे पास अभी तो नहीं है, बट अगर आप बोलोगे तो मैं फोन करके मंगा लेता हूँ, व्हाट्सअप करा लेता हूँ या ई-मेल करा लेता हूँ, फिर आपको दे दूंगा। तो फिर एक ऑफिसर वहाँ पे जो हेल्थ का ही था, को पता नहीं डॉक्टर थे कि कौन थे, वो बड़ा रूडली उन्होंने कहा कि सर आपको ये तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे, आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। बस वो ये बोलने की देर थी, मेरी तो और हालत खराब हो गई। अब क्या हो गया मेरी अरदास और बढ़ गई, गुरुजी अब आप देखो, क्योंकि मेरा भी वहाँ पे एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा था, गुरुजी टेस्ट ले रहे थे कि कितना भरोसा है इसको, ये पैनिक करता है कि क्या होता है। फिर मेरी अरदास और बढ़ गई, फिर मैं थोड़ा साइड हुआ, अपने वो लगेज वाली ट्रॉली मेरे साथ थी, साइड हुआ, बैठा, सोचा करूँ क्या करूँ। 1-2 फोन लगाया अपने जो फैमिली डॉक्टर होता है उनको फोन किया, वो भी बोले मैं क्लिनिक में नहीं हूँ, दोपहर को 2 बज गए हैं और मैं घर पे पहुंच गया हूँ, लेटर हेड मेरे पास है नहीं, मैं प्रिस्क्रिप्शन देके भेज नहीं सकता, वो लेटर हेड मेरा क्लिनिक में पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँ, बस देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ, गुरुजी प्लीज हेल्प। बस ये बोलने की देर थी, 1:30-2 बजे दोपहर के, और सारा का सारा वो जितना स्टाफ बैठा हुआ था सबकी शिफ्ट चेंज हो गई। तो जो वो डॉक्टर साहब थे या जो भी थे वहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि आपको तो जाने नहीं देंगे, आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। A to Z सारा का सारा स्टाफ चेंज हो गया, वहाँ से सारा नया स्टाफ आ गया। अब मैं सिर्फ बैठ के वहाँ पे 10 मिनट नज़ारे देख रहा था कि क्या हो रहा है सब। वो धीरे धीरे जब बैग उठा के अपने जाने लगे तो मेरे को समझ में आया कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। फिर देखा तो सारे नए बंदे आके बैठ गए, मैं बोला चलो ये काम हो गया। फिर मैं वो नए बंदे के पास गया, उनको बताया कि सर ऐसा है मेरे को जाना है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा जाना है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं और क्या हुआ वो लिख दो और साइन करके अटेस्टेड कर दो, ये फॉर्म दे दो और उन्होंने हाथ में मेरे रिस्ट पे कुछ 2 स्टैम्प्स लगाए और बोले कि इसके बाद आप वहां पे जाओ, आपका वहां पे पासपोर्ट मिल जाएगा और उसके बाद आप जा सकते हो। फटाफट मैंने वो फॉर्म किया, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग थी, उन्होंने ही कराया जो भी। फिर मैं वहाँ पासपोर्ट लेने आया, मैं बोला पासपोर्ट दे दो भैया, तो बोले सर पासपोर्ट तो आया नहीं है। बोले कहाँ है? और जितने फ्लाइट के आपके पासपोर्ट थे और जो बंदे जो होटल में क्वारंटीन करने वाले थे वो सारे के सारे पासपोर्ट पहले उनको क्वारंटीन की तरफ, होटल की तरफ लेके गए हैं। उसमें से जो क्वारंटीन नहीं हो रहे होंगे, जो बचेंगे पासपोर्ट, वो इधर आएंगे हमारे पास, क्योंकि आप इधर हो तो आपका भी पासपोर्ट इधर आएगा, तब हम आपको देंगे। ठीक है जी। फिर 10-15 मिनट वहां पे बैठे, तो वहां से पूरी फ्लाइट में मेरे को लगता है गिने चुरे 4-5 पासपोर्ट आए होंगे, उसमें एक पासपोर्ट मेरा था। ये गुरुजी की महिमा है, ये गुरुजी का शुक्राना है। पूरी की पूरी 200 बंदों से बड़ी फ्लाइट होती है, हम सबको पता है। उसमें खाली 4-5 बंदों को उन्होंने रिलीज किया, जिसमें एक मैं था। दिस इज ऑल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी। बड़ा शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे वहां से पासपोर्ट मिला, उसके बाद फिर मैं निकला। अब देखो, यहाँ तक कि मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट थी नहीं। अब मेरा ध्यान ये था, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क से आ रहा था और दिल्ली लैंड किया था, तो मेरा पीछे से ही मन ये था कि मैं दिल्ली लैंड कर रहा हूँ और बड़े मंदिर ना जाऊं, वो तो फिर बात नहीं बनेगी। तो मैं बस यही प्रे कर रहा था, गुरुजी किसी तरीके से बड़े मंदिर बुला लो। बाहर निकला, फटाफट एक टैक्सी किया, सारा का सामान उसमें लोड किया और सीधे बड़े मंदिर चला गया। बड़े मंदिर गया, वहां पे टर्निंग पॉइंट पे कुछ अंकल सेवादार थे, संडे का दिन था। एक टर्निंग पॉइंट पे 2-3 अंकल खड़े हुए थे सेवा में। उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर आगे जाओ, वो ट्रांसफार्मर जो है वहां पे एक सर्कल लगा के, उतरना नहीं है गाड़ी से, वहीं से आप दर्शन करो, 1-2 मिनट गाड़ी रोको और फिर वहां से आप यू टर्न ले लो। ठीक है जी। आगे गए, अंकल वहां पे भी थे, वो ट्रांसफार्मर के पास भी अंकल थे, उतरे नहीं, फटाफट वहीं से सेवा किए। कुछ काम भी चल रहा था वहां पे बड़े मंदिर में। दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और हाँ, उससे बड़ी बात, मैं आई डोंट नो पिछले जन्म का क्या हिसाब किताब है मेरा गुरुजी के साथ, बस इस जन्म में जब अभी मैं मार्च, ये वाली जो होली गई है मार्च की, उसमें जुड़ा हूँ मैं गुरुजी के साथ इस लाइफ में, जब मैं फर्स्ट टाइम एडिसन मंदिर गया था। इसी मार्च की बात है। तो ये मेरी इस लाइफ में गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कुछ 6-7 मंथ्स की है, बट ये ऑल शुक्राना है गुरुजी का। उसके बाद फिर वहाँ बड़े मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर मैं वापस आया, फिर मुझे लगेज का था, क्योंकि मैं इंटरनेशनल से आ रहा हूँ, लगेज मेरे पास बहुत ज्यादा है। अगर मैं कोई दूसरी फ्लाइट लेता हूँ तो उसमें लगेज तो बहुत ही ओवरवेट हो जाएगा, क्योंकि 20 kgs मेरे को मिलते हैं दूसरे के, फिर कैसे होगा। तो फिर गुरुजी ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट कराया कि सुबेरे अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट मिली मुझे 6:30 की, और वो भी एयर इंडिया की ही मिली। तो उसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया कि जितना मेरा लगेज था वो सारा का सारा, क्योंकि मैं एयर इंडिया टू एयर इंडिया ट्रैवल कर रहा था, तो वो थ्रू आउट फिर वो पूरा का पूरा उन्होंने चेक इन ले लिया। तो अगर कोई दूसरी फ्लाइट होती तो फिर वो सारे बैगेजेस का एक्स्ट्रा चार्ज करते, जो भी होता वो पता नहीं क्या होता फिर। तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। ये गुरुजी की सारी प्लानिंग थी, थोड़ा उसमें टेस्टिंग भी थी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैं सेफ एंड साउंड रायपुर पहुंचा। उसके बाद फिर मैं रायपुर में 14 डेज का क्वारंटाइन किया, वो भी मेरा क्वारंटाइन फिनिश हो गया है और लाइफ इज वेरी मच हैप्पी एंड नॉर्मल। शुक्राना, शुक्राना एंड शुक्राना।